कचरे की समस्या को लेकर सरकार ने बहुत पहले ही प्लास्टिक से बने सामानों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है, चाहे वह कैरी बैग हो, फाइलें हो या फिर हैंड बैग। प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग करना पूरी तरह गैर कानूनी है। अब प्लास्टिक के स्थान पर अन्य सामानों के प्रयोग को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्लास्टिक के पर्याय के रूप में सरकार ने अब जूट एवं बांस से बने सामानों के प्रयोग पर जोर देना शुरू कर दिया है। जूट से बनाए जाने वाले कैरी बैग, हैंड बैग और फाइलें बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं और इन्हें सरकार काफी कम कीमत पर बेच रही है, ताकि लोग प्लास्टिक के स्थान पर जूट एवं बांस से बने सामानों का प्रयोग करना शुरू कर दे। इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री के आगमन पर कृषि विभाग द्वारा बरारी में एक बड़ा स्टॉल लगाया जा रहा है, जहां जूट एवं बांस से बने सामानों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने हमारे संवाददाता रवि झा को बताया कि प्लास्टिक बैन होने के बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट के बजाय जूट के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आत्मा कटिहार के सौजन्य से जो है जूट की थैली, जूट के बैग और जो है जूट से बने हुए कई प्रोडक्ट जो उसको बढ़ावा जो है दिया जा रहा है। जो कैरी बैग, जैसे कि कल तक जो जो प्लास्टिक के कैरी बैग पर लोग डिपेंड होते थे, अब वो जूट पर जो है वो जूट का प्रयोग करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी काफ़ी सहूलियत हो। तो जूट को बढ़ावा देने के लिए आत्मा कटिहार के द्वारा जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है बैग, जूट के बैग, कई सारी जूट की थैली का प्रयोग किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद हैं, कल जो है CM भी आ रहे हैं कटिहार बरारी, वहाँ भी स्टॉल लगाया जाएगा। इसको देखने के लिए काफ़ी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी वर्मा जी हैं। जी सर, कल CM भी आ रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है? प्लास्टिक का परिणाम हो रहे हैं और ये जूट के हमारे जो सामान है ये आसानी से डिकम्पोजिबल हो जाते हैं। तो और हमारे कटिहार जिला जो है जूट की नगरी है, तो जूट की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए, जूट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग आत्मा के बना करके जूट के और इसके जो बैग है, थैले हैं, ये आपके छोटे छोटे कैरी बैग हैं, फाइल फोल्डर हैं, फाइल हैं, ये तरह तरह के जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे कार्यालय में के भी मिल रहा है, जिसमें ये मशीनें उन्हीं के द्वारा दी गई। तो सर इनफैक्ट जो है वो आम ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि कदर माननीय मंत्री जी का है और हमारा जून का इसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर जे इम्पोरियम एक अच्छा काम दे करके जिला प्रशासन के सौजन्य से हम लोगों को मिला हुआ है। वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट का जो है सेल की भी व्यवस्था की गई है और जैसे जैसे हमारा उत्पाद बढ़ेगा तो इसको लार्ज स्केल पर भी हम लोग आगे भेजेंगे। तो निश्चित रूप से जो है जूट की जो है प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए और खास करके पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो प्लास्टिक को बैन किया गया है और उसकी जगह पर जूट के प्रोडक्ट जो है वह लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कटिहार कृषि कार्यालय में जो है इस तरह के प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं और कस्टमर जो भी हैं ये इस तरह के कैरी बैग का प्रयोग करें। कटिहार में इसके जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ से जो है वहाँ वो परचेज कर सकते हैं और शिल्प के क्षेत्र में खास करके और कटिहार में जो है CM के आगमन को लेकर के जो प्रदर्शनी केंद्र प्रदर्शनी का जो ये स्टॉल लगाया गया है वहाँ भी जो है बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट वहाँ CM उसको देखे, इसके लिए भी तैयारी लगातार की जा रही है। रवि झा, KBC न्यूज़ कटिहार। त्योहारों की उमंग उषा TVS के संग। उषा TVS लेकर आया है पूजा धमाका। TVS की प्रत्येक गाड़ी की बुकिंग या खरीद पर पाइए 2000 रूपए का पेट्रोल वाउचर, 3400 रूपए का VIP ट्रॉली बैग, साथ ही स्क्रैच कूपन स्क्रैच करें और पाए ढेर सारे इनाम। न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट, मुफ्त प्रोसेसिंग चार्ज के साथ मात्र 1 घंटे में लोन की सुविधा। हम है उषा TVS, दुर्गा स्थान चौक, गामी टोला, कटिहार।